दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा रहता है जो बेसिकली बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं। बहुत सारे इम्प्लॉय जो हैं कुछ अपने करियर बीपीओ में स्टार्ट करते हैं और बीपीओ से आईटी इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं। तो बेसिकली कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बीपीओ इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या कोई भी अदर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या कॉल सेंटर में हैं या रिलेटेड टू नॉन टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल नहीं है, और आप कुछ टाइम के बाद आप रियलाइज करते हैं कि ये कैरियर हमारे लिए बेटर नहीं है। इवन बीपीओ में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बट समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशन होता है कि वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं होती है, कभी कभी पैकेज ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और डे बाय डे क्या होता है कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बीपीओ इंडस्ट्री एक काफ़ी लिमिटेड हो जाता है एक टाइम पीरियड में, लाइक 4 to 5 ईयर्स में ग्रोथ नहीं हुआ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप यदि बीपीओ या कॉल सेंटर या कोई अलग नॉन टेक्निकल फील्ड में हैं, आप उससे आईटी में मूव कैसे करें, आप अपना एक्सपीरियंस को कैसे दिखा के आप आईटी में जा सकते हैं। बेसिकली आईटी में क्या होगा कि यदि आप जे फ्रेशर जाते हैं तो आपको वो पैकेज नहीं मिलेगा जो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी सीख भी लेते हैं और एज ए फ्रेशर कोई आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वो आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगी। और बेसिकली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन इतना के बाद आप फ्रेशर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके रिलेटेड अब मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि अपना कैरियर को आप कैसे मूव करें आईटी में बीपीओ से। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस जरूर कीजिए। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना ना भूलें। आप SQL का ट्रेनिंग मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके क्लिक करके काफ़ी लो अमाउंट में आप कंप्लीट ट्रेनिंग मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं छोटा सा कि बीपीओ होता क्या है। तो बीपीओ एक कंपनी है जो हर एक एमएनसी कंपनी रन करती है, जिसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जहाँ पे नॉन टेक्निकल काम होता है, जैसे कि कोई भी बैकएंड से डेटा प्रोसेस करना, कोई भी एप्लीकेशन पे काम करना। तो जब भी कोई स्टूडेंट को जब मार्केट में जॉब नहीं मिलती है, चाहे वो आईटी का कोर्स किया हो, तब कुछ कारणवश से लोग बीपीओ में ज्वाइन कर जाते हैं। बट बीपीओ से भी स्विच करना आईटी में काफ़ी टफ हो जाता है। तो बेसिकली आप बीपीओ में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है, सबसे मेन पॉइंट है कि आपको आईटी में किस फील्ड में जाना है। ओके, तो जैसे कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल पे देता हूँ, एक डेटा एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, रिपोर्टिंग एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे आरपीए भी जैसे ऑटोमेशन पे होते हैं। तो सबसे पहले यदि आप ऑलरेडी नॉन टेक्निकल में काम कर रहे हैं तो सबसे पहला मेन स्टेप होता है कि आप एक प्रोफाइल को चूज करें, और प्रोफाइल को चूज करते वक्त एक वैसा प्रोफाइल को चूज नहीं करें जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया हुआ हो रहा है। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जैसे कि आपने डेटा साइंस चूज कर लिया, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या मुझे आरपीए में जाना है, जैसे ऑटोमेशन में जाना है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बंदे को टेक्निकल का उतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना एक काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और उसके साथ भी आपको 9 आवर का नॉन टेक्निकल का जॉब भी करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक प्रोफाइल जो आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहला आप जो प्रोफाइल है वो आप रिपोर्टिंग एनालिस्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कम यूज होता है। उसके बाद आपको थोड़ी सी और स्टैंडर्ड, आपको ज़्यादा पैकेज चाहिए तो आप डेटा एनालिस्ट चूज कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है, बट एज ए कंपेयर आप डेटा एनालिस्ट या को आप डेटा साइंटिस्ट से कंपेयर करेंगे, मशीन लर्निंग से कंपेयर करेंगे, या ऑटोमेशन से कंपेयर करेंगे, या फुल स्टॉक डेवलपर से कंपेयर करेंगे, जावा डेवलपर से कंपेयर करेंगे, तो
काफी कम चीज सीखने को मिलती है, और जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते हैं डेटा एनालिटिक्स में या डेटा एनालिस्ट में, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का इजीली सीख सकता है। उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है, यदि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, लाइक आप BA हैं, BCom हैं, या कोई भी अलग नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट है, आप BTech या MCA नहीं है, तो डेटा एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट में ज़्यादा मेजर नहीं करता है। तो बेसिकली आप रिपोर्टिंग एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल चूज करें। उसके बाद जो सेकेंड एडवांटेज रहेगा, यदि आप कोई भी डोमेन में काम कर रहे हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में हैं आप, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपको 30-40% वो आपको एडवांटेज मिलेगा आपका डोमेन नॉलेज का, यदि आप डेटा एनालिस्ट या रिपोर्टिंग एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। डेटा साइंटिस्ट में भी एडेड एडवांटेज मिलता है, बट वहाँ पे फिर से प्रोग्रामिंग को आप ज़्यादा सीखना पड़ेगा, जैसे कि आपको पाइथन का बहुत सारे लाइब्रेरी है, NoSQL, SQL, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो ये 30% कवर हो जाएगा यदि आप डेटा एनालिस्ट या सिस्टम एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट सीखना चाहते हैं। तो 70% में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको SQL या एक विजुअलाइजेशन टूल या एनालिटिकल टूल यूज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि SQL सीख सकते हैं, जो काफ़ी इजी है, आप मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं, आप ट्रेनिंग मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको 30% या 25% कवर करेगा। उसके बाद जो 20% है वो विजुअलाइजेशन टूल है, जैसे कि आपको पावर BI है या टेबलू सीख सकते हैं। तो पावर BI और टेबलू एक क्या है, एक ड्रॉप एंड ड्रैग टूल है, जहाँ पे ज़्यादा कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद होता है पाइथन सीखना, जैसे कि आप डेटा एनालिटिक्स में आप मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए पाइथन मैंडेटरी है, बट ये आप रिपोर्टिंग एनालिस्ट बनना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे पाइथन मैंडेटरी नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो भी आवश्यकता नहीं है। तो ये दो प्रोफाइल, बिजनेस एनालिस्ट और रिपोर्टिंग एनालिस्ट के लिए आपको पाइथन मैंडेटरी नहीं है, बट डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको पाइथन मैंडेटरी है। तो आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हैं तो डेटा एनालिटिक्स में करियर बना सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट को आप जो फॉलो करते हैं, जैसे कि आप प्रिपरेशन रिपोर्टिंग एनालिस्ट का स्टार्ट कर दिए, तो उसमें आप कंसिस्टेंट बना रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और आपको प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आपको प्रैक्टिस है, और थर्ड पॉइंट आपको कंसिस्टेंट, आपको हरे जब तक जॉब ना मिले तब तक आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि बीच में ही वो लोग छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, और कंटिन्यूअस और नॉन IT में ही जॉब करते रह जाते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट 6 महीने 1 साल आपको रेगुलर बना के रखना है, किस लेवल पे आप टाइम दे रहे हैं, आप हमेशा इंटरव्यू देते रहें, आप इंटरव्यू में आप उससे सीखते रहें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा जहाँ पे आप IT कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। उसके बाद जो होता है, जो बहुत ही लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जो कि प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस के अलावा आप प्रैक्टिस करें कैसे करें और आपको रियल टाइम सिनेरियो कहाँ से लाएं, तो जो भी आप अपने काम वर्क में काम कर रहे हैं नॉन टेक्निकल में, वो डेटा को आप रिलेट करना सीखें। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप कोई डेटा, आपको कोई मैनेजर दिया, आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं बैकएंड में, डेटा पे बिना आप तो काम कर सकते नहीं है, वही डेटा आप एक्सेल में आप मैनुअली क्रिएट करके उसी टाइप का डेटा आप रिपोर्ट बना के देखिए, आप SQL सेट में डेटा पूल करके देखिए, आप पाइथन में डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे पाइथन में करके देखिए, एक्सेल में आप फिल्टर लगा रहे हैं वो चीज़ डेटा आपको चाहिए वो चीज़ आप SQL में फिल्टर लगा के देख सकते हैं, डेटा को फिल्टर लगा के रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जिस दिन से आप स्टार्ट कर देंगे, 110% आपको ये कोई भी इंटरव्यू IT का क्रैक कर लेंगे, बट कोई भी थंब रूल नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसके बाद भी आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको मैं हेल्प करूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 1-to-1 ट्रेनिंग चाहते हैं तो लिंक में दिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आप
रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और आप ट्रेनिंग मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।